हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट, मार्केट ट्रेंड, मार्केट रेंज और देखेंगे आज क्रूड ऑयल क्या होने वाला है उसका ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल आज पिवट पॉइंट 3763, फर्स्ट रेजिस्टेंट 3940 एंड सेकेंड रेजिस्टेंट 4039 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 4216, फर्स्ट सपोर्ट 3664 एंड द सेकेंड सपोर्ट 3487 एंड द थर्ड सपोर्ट 3388। तो ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल डेली चार्ट, तो इसमें आप देख सकते हैं प्राइस कंटिन्यूअसली लास्ट फ्यू डेज नीचे आ रहा था यहाँ पे, राइट कंटिन्यूसली नीचे आया था। तो यहाँ पे हमें एक वीकली, मैंने अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्टिंग लाइन डाला था अराउंड 3452 में। तो मुझे लगा यहाँ से, क्योंकि सपोर्टिंग जोन था, यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन देना चाहिए और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ से क्या हुआ एग्जैक्टली वो पॉइंट से मार्केट थोड़ा बहुत अभी थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट यहाँ आने का बाद मार्केट एक हायर बनाया, जो पहले हायर लोअर हाई बना रहा था, यहाँ पे एक हायर हाई बनाया। उसका बाद क्या हुआ, एक जो पहले लोअर था लोअर को ब्रेकआउट नहीं किया और एक लोअर हाई बना दिया। लोअर हाई बना के एक मार्केट ऊपर जाने का एक चांसेस दिखा रहा है। तो बाद में जो नेक्स्ट लोअर हाई लोअर सॉरी हायर हाई हायर लो बनाया, तो जो जहाँ पे हायर लो बनाया वहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं व्हाइट क्रो। सो अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी रहता है, एक चांस रहता है, क्या कंफर्म करता है क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है यहाँ से, और ये हो गया आपका डेली में, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सपोज फोर आवर में मैं इसको हटा देता हूँ। फोर आवर में आप देख सकते हैं प्राइस एक जो मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है जो क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर टू मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर मुझे एक बाय सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन बाय जाने के लिए मुझे अकॉर्डिंग टू क्रॉस ओवर ये जो लेवल होता है जो प्रीवियसली हाई था 3858 वहाँ से मुझे बाय जाना पड़ेगा अगर इसको क्रॉस ओवर हुआ। तो थोड़ा बहुत अभी मार्केट नीचे आ रहा है, एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो रिट्रेसमेंट का एक लेवल मैंने डाल के रखा हुआ है यहाँ पे 3708 पर 6 पर। तो मुझे लगता है यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट होना चाहिए क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर नहीं जाता, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होता रहता है। तो इसलिए आपने देख सकते हैं यहाँ से मार्केट गया, एक यहाँ पे लोअर लो था लोअर हाई बनाया और एक ऊपर गया हायर बनाया, तो एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए अराउंड 3706 से, यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। तो ये हो गया आपका 4 आवर में। हम देखेंगे अभी 15 मिनट में क्या हो रहा है। तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट 200 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ, अभी 5 ने 150 को क्रॉस कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करके फिर से ऊपर जाने का चांसेस है क्योंकि यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक यहाँ पे एक बाय ले सकता है जहाँ पे कहाँ पे 3706 का आसपास से एक आप बाय ले सकता है। अगर आप यहाँ पे बाय लगाया तो नीचे में ये जो 100 मूविंग एवरेज उसका नीचे में आप एसएल लगा सकते हैं, तो और बुक प्रॉफिट जो आपका रहता है पहले टारगेट हायर पॉइंट था वहाँ से आप टारगेट लगा सकता है, तो यहाँ पे 1:2 रेशियो में, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।